जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होना है। पहले 27 को कहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से अब वो 1 अप्रैल को इंशाल्लाह न्यू बैच स्टार्ट होगा। दोबारा बता रहा हूँ, 1 अप्रैल को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सारी क्लासेस आपको मेंशन नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? कॉस्ट, टैक्स, एडवांस, बीकॉम पार्ट टू के और पार्ट वन के स्टैट, इंग्लिश और अकाउंटिंग। अगर आप नोबैल के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर करना चाहते हैं तो बच्चों आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई कॉम पार्ट वन या टू हो, बी कॉम पार्ट वन या टू हो, और एम ए इकॉमिक्स की क्लास अभी हमने स्टार्ट की है। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक ही स्टूडेंट है क्योंकि इस पर मैं जस्ट सेलेक्टिव ही रख रहा हूँ जो वाकई सीरियस और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें लाइव क्लास भी है और वीडियो भी। रिजल्ट की अपडेट मैं आपको भी देता हूँ। अच्छा बच्चों, इसमें क्या है, टाइमिंग का शेड्यूल है। बच्चों टाइमिंग यहाँ पर क्लासेस लेट नाइट ही होती है। मैंने पहले ही स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइमिंग मेरे मुताबिक होगी, लेकिन काम आपका 100% कवर करवा दिया जाएगा। आपको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होगी। आपका काम है सिर्फ तैयारी करना और मेरा काम है आपको तैयार करवाना। आप लोगों ने जस्ट पढ़ना है, जो जो काम मैं दूँ वो आप करना है, टेस्ट देना है, सब चीज़ें आपको तैयार करवा दी जाएगी। ठीक है, रिज़ल्ट की अपडेट बच्चों ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह अप्रैल में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अब किस टाइम पे होना है ये कुछ नहीं पता। स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेकेंड में भी, वीक में भी हो सकता है और मिड में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको न्यूज़ दी है पूरे प्रूफ के साथ। तो बच्चों आप टाइम वेस्ट ना करें रिज़ल्ट के चक्करों में, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। क्योंकि देखिए, अगर इलेक्शन की डेट जो है अगर आगे कर देते हैं तो आपके पेपर जल्दी हो सकते हैं। तो तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें, कॉन्टैक्ट करना व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कर सकते हैं। हार्डली ऐसे ही स्टूडेंट को रखा जाएगा जो बच्चे सीरियस हो, पढ़ने वाले हो, मिसबिहेव करने वाले ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं, अपनी मार्कशीट्स बताते हैं फीस की, तो बच्चे यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं रखा जाएगा। तो मैंने पहले भी चीज़ बताई थी कि सप्लीमेंट्री के रिज़ल्ट से पहले जो फ़ीस होगी वो मंथली होगी, उसके बाद पैकेज बनेगा। ये मैं पहले ही बता दूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने बताया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया करें, फिर आपको किसी किस्म का भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तैयारी करवाई जाती है, आपके लिए टाइम निकाला जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ये मैं प्रूफ दिखा भी चुका हूँ। ठीक हो गया, तो ये थी आज की वीडियो।